अगर आप ऐसा लाजवाब ओरियो बिस्किट का आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे से रखें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शुभम मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शुभम मिश्र किचन में। एक बार फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान बिस्किट का आइसक्रीम। तो चलिए शुभम मिश्र के किचन में आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरियो बिस्किट को कट कर लेंगे इस तरह से, सभी को कट कर लेना है, इसे मिक्सर में डाल देना है। अब मैं इसे ग्राइंडिंग करूंगी। अब मैं इसे ग्राइंडिंग कर ली हूँ, इसे हल्का दरदरा ही रखना है। मुंह में ओरियो बिस्किट जाता है तो और भी अच्छा स्वाद लगता है। आप इस तरह से ओरियो बिस्किट के पैकेट को लगा दीजिएगा, पैकेट को फेंकिएगा नहीं। अब दूध में पिसा हुआ पाउडर ऐड करूंगी और ओरियो बिस्किट के पाउडर को ऐड कर रही हूँ। अब मैं दूध में ओरियो बिस्किट के पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे ऐड करूंगी। अब मैं ओरियो के कवर में चारों में लिक्विड भर दी हूँ। अब मैं सारे आइसक्रीम स्टिक को सेट कर दूंगी। अगर आपका इस तरह से सेट नहीं हो पाए तो आप एक घंटा फ्रीजर में रख करके इसे जमने के लिए छोड़ दें एक घंटा, उसके बाद सेट करें। अब मैं इसे फ्रीजर में 4 घंटे तक रख दूंगी ताकि अच्छे से जम जाए। अब आइसक्रीम जम गया है, अब मैं इसे काट के आपको दिखाती हूँ। इसके रैपर को निकाल देना है, आसानी से रेपर निकल जाता है। रेपर को इस तरह से निकाल देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसे निकाल लें। अब मैंने रेपर को हटा लिया है। अब रेडी हो गया हमारा आइसक्रीम। अब आप घर में बना करके आसानी से खा सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।